मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सारे अच्छे से होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट बजटेड माइक्रोफोन्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो मेरे पास अभी 3 माइक्रोफोन्स अवेलेबल है, एक्सेप्ट दिस वन, दिस इज अ शॉटगन माइक, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अभी। तो मेरे पास अभी लेवलियर माइक्रोफोन्स 3 है, जो कि हम मोटोव्लॉग में यूज करते हैं, इनसाइड योर हेलमेट ऑब्वियसली। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं यूट्यूब मोटोव्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या अभी बिगिनर्स है जो अभी मोटोव्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक अच्छी माइक ढूंढने में। सो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर सर्चिंग फॉर ए गुड माइक्रोफोन अंडर लो बजट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू विच वन इज परफेक्ट फॉर यू एंड विच माइक इज परफेक्ट अमंग ऑल दीज माइक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये 3 माइक्स है मेरे पास। एक तो है अपनी रिनोसेल की, ये लोकल ही है, मैं आपको बताता हूँ अभी बाद में। तो दूसरी है मोनो की, एज कैन सी, और तीसरी है बोया की BYM1। तो जल्दी से इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमें। ऑब्वियसली मैंने पहले इसको यूज़ किया है, तो पहले मैंने इसको अनबॉक्स किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पे। इस बॉक्स में हमें मिलता है एक पाउच कैरी करने के लिए, और एक वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है, और इसमें हमें एक कॉलर हुक मिलता है, और दूसरा ये अडेप्टर मिलता है। तो ये अडेप्टर अगर आप कभी स्पीकर्स पे यूज़ करने वाले हो इसको, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी देखते हैं बैग में क्या है। और सो इसमें माइक रखी हुई है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो इन सब माइक्स की, तो आप यूट्यूब से सर्च करना बोया BYM1, आपको सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मैं जनरल डिस्कस करने वाला हूँ कि मोटो व्लॉगिंग के लिए कौन सी अच्छी है। पहली बात, मुझे लगता है इट्स नॉट गुड फॉर मोटो व्लॉगिंग, बिकॉज एक तो इसकी वायर देखो कितनी लंबी है, वायर बहुत ज़्यादा लंबी है, जो कि हेलमेट में असेंबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, अगर आप कैमरा के साथ कनेक्ट करने वाले हो तो कैमरा मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो स्मार्टफोन आप रख सकते हो यहाँ पे। तो ये मैं यूज़ कर रहा था बोया की BYM1 माइक, ये मैं यूज़ कर रहा था 5-10 दिनों से, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, इसलिए मैंने दूसरी माइक ऑर्डर की थी। इसके बाद जो मैंने माइक ऑर्डर की थी वो थी रिनोसेल की ये वाली माइक, इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। तो इसमें हमें सिर्फ एक माइक के अलावा कुछ और नहीं मिलता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो माइक है ना, इन जैसे माइक्स को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए, बिकॉज ये वाली माइक जब मैंने ऑर्डर की तो मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था इसके रिलेटेड, तो मैंने परचेज किया था, बट इसने सपोर्ट ही नहीं किया मेरे फ़ोन में, और ये बिल्कुल बेकार है। ऐसी लोकल जैसी भी आपको ब्रांड मिलती है अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा है, लोकल कोई सी भी ऐसी माइक अगर हो तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसको हम अभी लिस्ट से हटाने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं चली। फिर अगर आपने अमेज़ॉन में ऐसी कोई माइक देखी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है, अपने पैसे ज़ाया मत कीजिए, बिकॉज आपके पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको इस तरह वेस्ट मत कीजिए, ये बिल्कुल ही बेकार है, ये मेरे किसी काम की नहीं आई। तो थर्ड माइक है हमारे पास मोनो की AU400, मोनो की AU400, ये मैंने कल ही रिसीव की, इसका मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी एक बैग है और कुछ कार्ड्स एक दो हैं। सो बैग ओपन करके हमें इसके साथ एक तो कॉलर हुक मिलता है, इसको हम साइड में रखेंगे। ये जो अडैप्टर है, तो इसको बोलते हैं TRS और इसको बोलते हैं TRRS। बेसिकली ये अडैप्टर हम तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास GoPro हो, तो आप ईजिली इसको यहाँ से माउंट करके और GoPro में लगा सकते हैं, क्योंकि GoPro में ये जो है 3.5mm वाला, ये जो 3 lines वाला जैक है, ये सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए ये अडैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मोनो की माइक, और काफ़ी छोटी है एज
यू कैन सी वायर काफ़ी छोटी है, जो कि बहुत अच्छी बात है मोटो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि सारा सेटअप हेलमेट के अंदर रखना पड़ता है और वायर छोटी है तो इजी हो जाएगा। यू कैन कंपेयर दीज टू, बोया की माइक और मोनो की माइक की वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो प्राइस की बात करूँ, जो बोया की BY-M1 माइक है ये आपको 600 के आसपास मिल जाएगी, और जो मोनो की AU-400 माइक है ये आपको 400 के आसपास मिल जाएगी। अमेजोन पे दोनों अवेलेबल है। अब मैं इनको टेस्ट करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट कैसे होगा। हम इनको लो स्पीड पे ही टेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता है इनका बुरा हाल हो जाएगा, बिकॉज अगर आप हाई स्पीड में आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिर आपको उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, इसको ऊपर से कॉटन या कुछ और, फिर जाके आपको आवाज अच्छी मिल सकती है। सो हम इनको टेस्ट करके आते हैं कि किसकी आवाज बेटर आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर आपको कौन सी लेनी चाहिए। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये माइक मैंने हेलमेट के अंदर इंस्टॉल की है और हम अभी रुक के शूट कर रहे हैं, तो पहले इसी का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा आउटपुट रहता है, कैसा आउटपुट आता है हमें, कैसी वॉइस क्वालिटी आती है। तो अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, सो अभी हम बाइक पे भी देखने वाले हैं कि कितनी स्पीड पे कितनी अच्छी वॉइस आएगी। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं और बाइक की बैटरी भी डाउन हो गई, अभी ग्लोव्स का रखा मैंने एक और। तो अभी मेरा वाइजर ओपन है अभी, वाओ क्या सनसेट है अभी, लेकिन फॉगी वेदर हो रहा है। सो आई डोंट थिंक कि वॉइस उतनी अच्छी आएगी वाइजर ऑन करके, तो मैं वाइजर बंद ही करता हूँ। अभी 30 स्पीड है, अभी मैं वाइजर बंद करता हूँ। अभी मेरा वाइजर ओपन है, तो पहले हम वाइजर ओपन करके देखेंगे कितनी विंड नॉइस आ रही है। सो अभी स्पीड 30 है और मैं अपना वाइजर जो है बंद करने वाला हूँ। सो अभी मेरा वाइजर बंद है और स्पीड भी 40 है, तो अभी आप चेक कर सकते हो कि आवाज विंडोज कितनी आ रही है, और अब विंडोज का क्लियर भी चेक करो, क्लियर भी कितनी आ रही है दोनों माइक्स में। सो गाइस फाइनली आई एम एट होम। तो गाइस दोनों माइक्स को टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको कंसीडर करनी चाहिए और कौन सी नहीं। सो गाइस जैसा कि आपको पता है मैंने दोनों बाइक्स को वाइल राइडिंग चेक किया, बट लो स्पीड में इन दोनों का आउटपुट जो है सेम ही आया। ये जो मोनो की माइक है इसका थोड़ा बहुत क्लियर आया मुझे, ये जो बोया की माइक है इसका भी ठीक ठाक ही है, लेकिन हाई स्पीड पे दोनों का हाल बुरा हो गया और हाई स्पीड पे विंड नॉइज काफी ज्यादा आ रही थी। क्योंकि अगर आपको हाई स्पीड में इन माइक से अच्छी आवाज चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, इन माइक्स को ऊपर से या तो कॉटन लपेटा पड़ता है या तो कुछ और। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी बेटर है, आपके लिए बोया की BY-M1 माइक बेस्ट रहेगी, और अगर आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो एज ए बिगिनर तो आपके लिए मोनो की AU-400 काफी सही माइक है। आई थिंक फॉर मोटो व्लॉगिंग पर्पसेस मोनो माइक इज द बेस्ट, इट्स क्लियरली विनर, एंड डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more.